वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे एडिशन विद कैरी कॉन्सेप्ट। तो इसके बारे में मैं एक वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ। वो एक मेथड है, मेथड वन। ये दूसरा मेथड है, मेथड टू। इस मेथड से बच्चों के कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। एडिशन विद कैरी का मतलब क्या होता है और कैसे करते हैं, तो ये मेथड आप कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यूज़ कर सकते हो। चलो देखते हैं वीडियो में क्या है। पहला जो है प्रिपरेशन। मैं कभी भी हमेशा बताती हूँ तो हर चीज़ की प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रिपरेशन करने से आप बहुत से परेशानियाँ दूर कर सकते हो और चीज़ें बहुत आसानी से बच्चों को समझ में आते हैं। तो यहाँ जब भी आप एडिशन विद कैरी समझाते हो तो उससे पहला बच्चों को इन तीन चीज़ों की थोड़ा शुरुआत करिए। तो इसमें पहली चीज़ ये है कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एंड वंस। मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी, बच्चे जब भी 11 नंबर सीखते हैं तभी से आप उनको टेंस एंड वंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करिए। इससे क्या होता है, जब आप एडिशन विद कैरी बोलते हो तो तब इन चीज़ की अगेन दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक बच्चे जान चुके होंगे टेंस एंड वंस का कॉन्सेप्ट। जानना नहीं, उन्हें अच्छा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट मैं बोलती हूँ मेंटल मैथ। तो मैं इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बोली थी आपको मेरी पिछली वीडियो में, एडिशन विद कैरी मेथड वन में। अगर चाहिए तो आप फिर से उसमें देख लीजिए। तो बच्चों को आप थरो कॉम्बिनेशन, जो भी कॉम्बिनेशन होते डिफरेंट वन डिजिट के कॉम्बिनेशन, उसको थरो उन्हें प्रैक्टिस करवा दीजिए। नेक्स्ट स्टेप, कॉलम एडिशन आना चाहिए, जैसे दो डिजिट का और या तीन डिजिट का। अगर ये भी आता है तो एडिशन विद कैरी कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है। जैसे कि 2+1, तो ये तो दो हुए। नेक्स्ट 2+1+3, तो यहाँ पे तो 3 वैल्यूज है। सो कॉलम एडिशन आना चाहिए दो डिजिट और तीन डिजिट का। तो ये सभी चीज़ें प्रिपरेशन में आएंगे। वंस बच्चे इन चीज़ों से परफेक्ट होते हैं तो तब आप उनको एडिशन विद कैरी सिखा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दूसरे मेथड से एडिशन विद कैरी कॉन्सेप्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक एग्जांपल और ये वाला कलरफुल पेपर। इससे बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जैसा हम कलर्स यूज़ करते हैं तो बच्चों को वो स्टेप अच्छे से ध्यान रहेगा। तो पहला हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना होगा, टेंस वंस के बीच में एक लाइन खींच कर। तो अब हो गया है टेंस एंड वंस सेपरेट। सो इधर टेंस रहेंगे, इधर वंस रहेंगे। तो अब पहला हमें वंस ऐड करना होगा। सो 3+8 11। जब बच्चे छोटे आते हैं, किंडरगार्टन के होते हैं, तो यही पे स्टेप पे उन्हें दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें सम कौन सा है, कैरी कौन सा है, किसको सम कहाँ लिखना है, कैरी को कहाँ लिखना है। कभी कभी बच्चे सम के प्लेस में कैरी लिख देते हैं, कभी कभी कैरी के प्लेस में सम लिख देते हैं। तो इस कन्फ्यूजन इस मेथड से हट जाती है। जो भी सम कैरी है हम बराबर लिखेंगे और कैरी को जो वंस प्लेस हमने ऐड किया उसको हम क्लोज करेंगे कलरफुल पेपर के साथ। ये बहुत इफ़ेक्ट करेगा, आपके लिए नहीं लेकिन बच्चे के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। तो नेक्स्ट हम ऐड करते हैं टेंस प्लेस में 5+1+1। हम नहीं बताएंगे, एक्चुअली इसका वैल्यू होता है 50+10+10। तो यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत नहीं है ज़ीरो, क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर चुके थे टेंस प्लेस है ये। तो हमें एडिशन आया है 7+1। तो हमें वंस प्लेस में कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमें जो भी टेंस प्लेस में है जो 3 डिजिट थे वो सभी को हम ऐड करना चाहिए। तो ये है ये मेथड का खासियत। सो यहाँ पे सम कैरी का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, इससे बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे सम कैरी के बीच में। जब भी हम टेंस कॉलम में ऐड करते हैं तो बच्चों को बताएंगे हम ऐड कर रहे हैं 50+10+10, तो ये होगा 70। बट हमें 17 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 7 काफ़ी है, क्योंकि ये ज़ीरो जो है वही यहाँ पे हमने ऊपर लिख दिया, टेंस प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वंस प्लेस में हम तब ऐड किया तो हमें आया था 11।
तो 11 में कितने टेंस रहेंगे, एक 10 रहेगा और एक 1 रहेगा, वही 10 को हम यहाँ पे याद कर रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट को आप अगर मनी के ज़रिए से भी समझा सकते हो, बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। जैसा आपके पास $60 है, 50 + 10, अगर किसी और के पास से आप $10 आ रहा है तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, $70। और ए पेपर से आपको बहुत फ़ायदा रहेगा, अगर आप पहली बार बताते हो तो भी बच्चा समझ जाएगा हमें इस पेपर को यूनिट्स प्लेस में यूज़ करना है, तो इसका इफ़ेक्ट उतना रहेगा। आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं करता है, लेकिन बच्चों के लिए ये स्टेप बहुत इफ़ेक्ट करेगा, उन्हें अच्छी तरह याद होगा हमें यूनिट्स प्लेस में कुछ नहीं करना है इस चीज़ के साथ। जब भी आप 11 डायरेक्टली लिख देते हो तो उनको लगेगा कुछ नया कुछ नहीं कर रहे, जो पुराना है उससे ही ये चीज़ रिलेट हो रही है। जैसा हम 1 डिजिट एडिशन में भी करते हो तो 11 आता है, तो ऐसे ही लिखते हैं ना हम 1 1, तो यही पे यहाँ पे भी वही काम हम कर रहे हैं। और जो भी सम और कैरी का कन्फ्यूजन रहेगा वो दूर हो जाएगा। इनिशियली समझाने के लिए आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो, इससे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है आप पे डिपेंड होगा। मैं सजेस्ट करूँगी जो स्कूल में बोलते हैं वही मेथड को आप बाद में कंटिन्यू करिए, ताकि बच्चा वही जो स्कूल में मेथड बोलते हैं वही को बार बार प्रैक्टिस करेगा तो वही मेथड उसके दिमाग में घुसेगा। बट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए या पहली बार आप बता रहे हो तो ये तो बेस्ट मेथड है। और छोटे बच्चों को, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, जैसे 3-4 साल में आप इंट्रोड्यूस करें तो ये तो बहुत बेस्ट मेथड है। होप वीडियो आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।